युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग ने कराई मंडल स्तरीय प्रतियोगिता। युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग जनपद बरेली के तत्वाधान में शासन की नीति आदेशानुसार मंडल स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन आज दिनांक 12/12/2019 को आईएम हाल में बरेली में किया गया, जिसमें मंडल के चारों जनपदों बरेली, पीलीभीत, बदायूं एवं शाहजहांपुर से विजयी कलाकारों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री अरुण कुमार माननीय शहर विधायक के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री रोहित राकेश ने किया। कार्यक्रम के निर्णायक मंडल में श्री जय सी पालीवाल। हाँ, यहाँ मंडल स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता जनपदों से जो हमारे विजयी कलाकार चयनित हुए हैं उनकी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें बरेली मंडल के बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बदायूं के कलाकारों ने प्रतिभाग कर रहे हैं। आज जो कलाकार चयनित किए जाएंगे उनको राज्य स्तरीय युवोत्सव जो 16-18 दिसंबर तक लखनऊ में आयोजित होगा उसमें प्रतिभाग कराया जाएगा। इस वर्ष राष्ट्रीय युवोत्सव जो 12-16 जनवरी तक होता है वो भी उत्तर प्रदेश में ही कराया जा रहा है, तो राज्य स्तर पर जो भी कलाकार चयनित होंगे उनको उसमें प्रतिभाग कराया जाएगा। कितने छात्रों ने भाग लिया है इसमें? विभिन्न जनपद जैसे बरेली में 55 लोगों को विजयी घोषित किया गया था जनपद स्तर पर, 31 हमारे शाहजहाँपुर से हैं, 14 बदायूं से हैं और 22 जो हैं पीलीभीत से हैं। कितने कलाकार पार्टिसिपेट कर रहे हैं? भारतीय संस्कृति की छटा बिखेरते हुए और आज मंडलीय स्तरीय प्रतियोगिता जो ये हो रही है आईएमए हॉल में युवा कल्याण विभाग द्वारा, उप निदेशक युवा कल्याण विभाग विवेक श्रीवास्तव जी, निर्णायक मंडल में आदरणीय जेसी पालीवाल जी, डॉक्टर रुचि शुक्ला जी, आदरणीय जोही मैम जी और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बरेली शहर के लोकप्रिय विधायक अरुण कुमार जी, जिनकी उपस्थिति से दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां होनी चाहिए, आपकी तालियां कमजोर है। एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।